दादी ये कैसे मिल रहा है ये? 10-10 रुपए में? और मेरी फेवरेट बतासे आपने बतासे ही नहीं रखा है, आ करके यहीं पे होली खेलेंगे, है ना। यहाँ पे आप देखेंगे ना मेहंदी भी रखी जा रही है। भैया गुजिया कैसे है? 380 रुपए किलो। ये आप देखो भैया जी। हेलो माय डियर फ्रेंड, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, स्वागत है आप सभी का आगे हमारे एक अनदर ब्लॉग में। सो दोस्तों हम ना निकल चुके हैं, आज शाम का टाइम हो चुका है और आलमबाग की सड़कों पे, और यहाँ पे ना मोस्टली हमें जो लोग दिखाई दे रहे हैं ना वो बंदर बंदरिया के रूप में दिखाई दे रहे हैं, जिनका फेस पहचानना ना बहुत ही मुश्किल है। फिलहाल आप हमें यहाँ से मत घूरिए क्योंकि हम बंदर बंदरिया से नहीं दिख रहे हैं। तो चलिए ना हम आपको दिखाते हैं कि कैसे यहाँ पे मतलब होली की तैयारी चरम पे। वैसे आप लोग को एडवांस में होली की बधाइयाँ लेना पसंद है? चलो नहीं पसंद होगा तो भी हमारी तरफ से आप सभी को ना एडवांस में हैप्पी होली। और चलिए फिर हम ना बैक कैमरे से आपको दिखाते हैं यहाँ का रौनक जो है, आलमबाग का रौनक क्या है। दोस्तों अगर आप सड़कों पे देखोगे ना इतनी ज़्यादा पब्लिक, इतनी ज़्यादा भीड़ है ना कि आपको सड़क पे चलना मुश्किल, अगर नज़र हटी ना तो दुर्घटना घटी, आप समझ सकते हो। फिलहाल हम इस साइड से चलेंगे जिधर से खाली। दोस्तों यहाँ पे ना ये आपको देखने को मिलेगा जौ और ये उपले हैं। इसका क्या काम होता है आंटी जी? किस दिन जलाया जाएगा? किस दिन जलाया जाएगा? होली किस दिन जलेगी? अच्छा अभी कंफ्यूज है तो ये भी कंफ्यूज है। और ये जलाने के लिए ना पूजा होती है ना इसकी, तो इसकी पूजा होती है। और अगर आपको भी चाहिए, कैसे मिल रहा है ये जो एक बंडल है 10 रुपए का? इसमें कितने हैं? इसमें 7-7 हैं, तो इसमें 7-7 पीस है जो कि आपको ना 10 रुपए में मिल रहा है। तो ये गाय के गोबर की भी बहुत अच्छी मतलब बिजनेस की जा सकती है, ये हमें देख करके पता लग रहा है। तो फ्रेंड्स अगर आपके यहाँ भी गाय हो ना और गाय का गोबर हो तो आप भी ऐसे ही बना करके ना होली के टाइम पर ऐसे बिजनेस कर सकते हो आप भी अपना, क्योंकि होली पर ना जलाया जाता है, होली के दहन में इसकी पूजा की जाती है। चलिए और भी आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या चीज़ें देखने को मिलती है हमें। यहाँ से ना स्टार्ट होती है आपकी होली की मार्केटिंग, जो कि पूरा रंग बिरंगा आपको दिखाई देने वाला है। और भी आप देखते जाओ ना, बहुत अच्छा मतलब एकदम सज गया है पूरा आलमबाग पिचकारियों से और गुलालों से, फूलों से भी। देखो आपको यहाँ पे ना एकदम याहियागंज से भी अच्छी मार्केट यहाँ पे आपको दिखेगी, पूरा एकदम एक तरफ से ही गुलाल गुलाल, बाकी ये पिचकारियाँ हर्बल गुला सारी चीज़ें आपको मिल रही है। ये तो देखो आप जो भी चाहिए, जैसे भी चाहिए, जिस बजट में चाहिए वैसे मिल रही है। बाकी आप देखोगे ना यहाँ पे आपको फ्रूट्स भी मिल रहा है, कैसे मिल रहा है वो आपको आकर के पता करना पड़ेगा। बाकी पिचकारियाँ वगैरह तो यहाँ पे पूरा भंडारी देखने को मिल रहा है। तो फ्रेंड्स गुलाल तो आपने हर जगह देखा है, और यहाँ पे आप देखोगे ना अगर आपको अपना हेयर कवर करने के लिए चाहिए ना तो यहाँ पे हेयर भी मिल रहा है। ये आप देखोगे बहुत सारा है, कलरफुल है, जो भी आपको चाहिए आप यहाँ से आकर के ले सकते हो। बाकी आप यहाँ भी देखोगे बहुत ही अच्छे से यहाँ पे सारी चीज़ों को रखा गया है, ताकि आपकी नज़र जैसे ही जाए ना आपको सारे सामान इजीली मिल जाए। यहाँ पे फ्रेंड्स आप देख सकते हो ना यहाँ पे ट्रायल चल रहा है पिचकारी का, ये आप देखो। भैया कितने का है ये? हैं भैया कितने रुपए का है ये? 550। तो फ्रेंड्स ये आपको ना मिल रही है 550 रुपये की। बाकी आप आकर के देख सकते हो, थोड़ा थोड़ा बहुत तो कम ज़्यादा हो जाएगा ना। तो ये ना आपको 500 में लास्ट मिलेगा, आपको 500 का दिया है तो ये आपको 500 में मिलेगा। अरे यहाँ पे ना आपको बहुत सारा, चलो वो एक है, बाकी यहाँ पे बहुत सारे आपको देखने को मिल रहे हैं। ये तो देखो आप, पूरा मार्केट ही रंगीन पड़ा है यहाँ पे। भैया ये ऊपर जो हर्बल वाले पैकेट वाले गुलाल है कैसे मिल रहे हैं? 50 रुपये पैकेट? नहीं ये वाला, ये जो सामने लगा 50 रुपये, ये 30 वाले हैं। इसमें कितने ग्राम आएगा? कितने ग्राम है? 100 ग्राम। 100 ग्राम जी, तो फ्रेंड्स इसमें 100 ग्राम है, ये आपको 30 रुपये में मिल रहा है। बाकी ये भी 100 ग्राम है जी। तो अंतर क्या है दोनों में? अंतर ये सिल्क का है, वो हर्बल का है। तो फ्रेंड्स ये सिल्क का है तो ये आपको मिल रहा है 50 रुपये में, बाकी ये हर्बल का है तो ये आपको मिल रहा है 30 रुपये में। और भी यहाँ पे वैरायटी आपको बहुत ज़्यादा मिल रही है। बाकी अगर आपको कलर फॉग चाहिए, कलर फॉग कैसे मिल रहा है? कलर फॉग है 250 रुपये डब्बे का। और ये एक एक अगर किसी को लेना रहे तो नहीं मिलेगा? 50 रुपये में। या भैया ये वाली कैसे है, कितने में? तो ये ना आपको 600 रुपये में मिल जाएगी। इसकी मिसाल तो होगी ना आपके पास में, 150 रुपये पीस, तो 150 रुपये पीस आपको मिलेगी। और बाकी ये आपको मिलेगा 600 रुपये में, ये गुड़िया वाले 800 की। कम भी होगा क्या इसमें? कम नहीं होगा? तो फ्रेंड्स ये आपको मिलेगा 800 में, कम नहीं कर रहे हैं भैया। और भी चलो आप देख लो, बाकी
यहाँ भी आपको ना बहुत ज़्यादा। भैया ये छोटी छोटी सी पिचकारी है कैसे? ये वाली कितने की है? फ्रेंड्स ये ना आपको 90 रुपए की मिल रही है। बाकी यहाँ पे आपको ना कम प्राइस वाली भी मिल जाएगी, 60 रुपए में, 40 रुपए में, सारे ही आपको मिल रहे हैं, जो भी आपको चाहिए। और ये बड़ी वाली कैसे है? 140। ये वाली जो है ना ये आपको 140 में मिलेगी, 100 में मिल जाएगी। तो ये वाली आपको मिल रही है 100 में। बाकी ये कैसे है? ये आगे वाली, ये तो ये फ्रेंड्स आपको 500 रुपये में मिल रही है। बाकी आपको यहाँ पे मास्क वगैरह मिल रहे हैं, यहाँ पे ये मास्क भी। ये मास्क कितने का है? 60 रुपये का। ये मास्क आपको ना यहाँ पे मिल रहा है 60 रुपये में। अगर आपको ना ये कलर, ये असली रंग लिखा है, मतलब छूटेगा नहीं, तो ये ना आपको 30-30 रुपये में मिल रहा है। सारा ही 30 का है, कोई सा भी कलर अलग अलग है ना। 70 रुपये। और ये आपको बड़ा वाला जो है ना ये आपको 70 रुपये में मिल रहा है। और भी यहाँ पे आप देखोगे, ये पैकेट कैसे है? ये इसमें कितने ग्राम होगा? कितने ग्राम? अच्छा 100 ग्राम। तो ये 20-20 रुपये में ना आपको 100-100 ग्राम यहाँ पे मिल रहा है। और बाकी ये छोटे छोटे से जो फेस मास्क है, ये 10 रुपये का। तो ये वाला मास्क आपको 10 रुपये में मिल रहा है। और ये बलून जो छोटा सा है, इसमें कितने बैलून आएंगे? 30 पीस। तो ये 30 पीस वाला बलून आपको मिल रहा है 10 रुपये। बाकी ये जो ऊपर गुलाल है पैकेट वाला, ये कैसे है? 40। तो ये गुलाल जो है ये आपको 40 रुपये पैकेट मिल रहा है, जिसमें 100 ग्राम आई थिंक होगा। बाकी इधर पिचकारियाँ भी है। ये पिचकारी कैसे? 70। तो ये जो पिचकारी, ये 70 की है, ये थोड़ी सी कम हो गई है ना। ये वाली 60 रुपये की, ये वाली 70 रुपये की। बाकी आपको कलर फॉग वगैरह भी यहाँ पे मिल रहा है, स्प्रे वाली अगर आपको चाहिए ना, स्प्रे वाली कलर भी मिल रहे हैं यहाँ पे, सारी वैरायटी आपको मिली। ये स्प्रे कैसे है? 60 रुपये। ये स्प्रे आपको मिल रहा है 60 रुपये में। और इससे बड़ा वाला जो पीछे लगा है, ये 120, ये 100। ये 120 का है और ये 100 का है। तो ये इतना महंगा है? अच्छा तोता ब्रांड का, तो ये ब्रांडेड है, तो ये आपको थोड़ा सा महंगा मिल रहा है। आपको इधर ना ये खाने पीने से रिलेटेड चीज़ें मिल रही है। गुजिया आपको चाहिए तो भैया गुजिया कैसे है? 380 रुपये किलो। तो ये किस चीज़ का गुजिया है? किस चीज़ का है? अच्छा ये खोया का है। तो ये खोया वाला गुजिया ना आपको मिल रहा है 380 रुपये में। बाकी ये मठरी कैसे? मठरी आपको 180 रुपये किलो मिल रही है। बाकी यहाँ पे ना आपको वैरायटी मठरी की भी देखने को मिल रही है। तो फ्रेंड्स अभी आप देख सकते हो ना, हमने ये जो मिठाइयाँ और मठरी वगैरह दिखाया ना, ये इनके यहाँ का है। आप देख सकते हो ना, यहाँ पे अगर आपको छोटी मोटी पार्टी वगैरह अपने घर में कर रहे हो ना, तो इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। बाकी और भी जानकारी आपको चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करना। तो फ्रेंड्स देखा, हमने आपसे बोला था ना कि आप अमीनाबाद की शॉपिंग कर लो, नहीं तो सारी चीज़ें महंगी, आलमबाग में ना सारी चीज़ें महंगी हो चुकी है। तो अभी भी अगर आप शॉपिंग नहीं की हो ना, तो जल्दी करो, यहाँ पे आपको सारी चीज़ें मिल रही है, मतलब गुजिया से लेकर के मट्टी सारी चीज़ें मिल रही है, कि आपको बनाने की भी ज़रूरत नहीं है। तो आप भी जल्दी करो और चलिए देखते हैं क्या चीज़ें मिल रही है, वो भी आपको दिखाते हैं। बाकी सारी चीज़ें ना यहाँ पर हमें बहुत ही ज़्यादा महंगी लग रही है, लेकिन आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है अगर आप अमीनाबाद नहीं जाना चाहते हो। तो चलिए और आगे चलते हैं और देखते हैं क्या चीज़ें हैं, कैसे है। अभी हम पहुंच चुके हैं ना आलमबाग मेट्रो स्टेशन के नीचे, और यहाँ पे भी ना आपको ये हर रंग बिरंगे कपड़े भी आपको देखने को मिल रहे हैं, जिसको पहन के ना आप होली वगैरह खेल सकते हो। भैया कैसे मिल रहे हैं? तो ये आपको ना यहाँ पे 100 का मिल रहा है, मतलब यहाँ पे आपको ना रेड में मिल रहा है ये कपड़े। बाकी आपको बताशे वगैरह खाना है ना, तो यहाँ पे आकर के बताशे भी खा सकते हो। ये भाई साहब बताशे भी खिला रहे हैं, और गुलाल वगैरह ना आपको हर एक ठेले पे आपको नजर। फ्रेंड्स यहाँ पे आपको ना गुजिया बनाने के लिए भी देखने को मिल रहा है। बाकी आपको ये कलरफुल चूड़िया कंगने भी चाहिए ना, वो भी आपको मिल जाए। फ्रेंड्स ये जुगन्ना आप देख रहे हो ना, ये आपको 100 में 2 पीस मिल रहा है, यानी कि 50 रुपये पीस आपको मिलेगा। और होलिका दहन में इसकी पूजा की जाती है। सो फ्रेंड्स आलमबाग से घूमते घूमते ना अभी हम पहुंच चुके हैं चंदन नगर मार्केट में। चलिए हम थोड़ा सा चंदन नगर मार्केट में भी आपको, ऐसे प्राइस बहुत ज़्यादा आपको दिखाने वाले नहीं है, लेकिन हाँ आपको एक व्यू दिखाएंगे यहाँ के मार्केट का। ये बैक कैमरे के साथ मिलता है आपसे। फ्रेंड्स ये ना आप एक व्यूज देख लो यहाँ चंदन नगर मार्केट का, जो कि डेली ओपन ही रहता है। अभी हमने ये तो पता नहीं किया कि ये होली वाले दिन ओपन रहेगा कि नहीं। बाकी आप देखो यहाँ पे होली की बहुत ही कायदे से शॉपिंग चल रही है, और बहुत ही सारी चीज़ें ना आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पे आप देखेंगे ना मेहंदी भी रखी जा रही है, ये आप देखिए। भैया कैसे लगाते हैं आप मेहंदी एक हाथ में? ये जो आप लगा रहे हैं ये पूरा यहाँ से स्टार्ट करेंगे, कितने में लगाएंगे?
एक हाथ के 200, तो आपको लगवाना है ना, तो एक हाथ के 200 रुपये आपको खर्च करने पड़ेंगे। होली के लिए ना यहाँ पे रंग बिरंगे आपको कपड़े भी देखने को मिल रहे हैं, जो कि आपको अगर चाहिए ना तो आपको आकर के खुद दाम वगैरह पता करना पड़ेगा, क्योंकि होली कल नहीं परसों। भैया होली वाले दिन आपकी मार्केट खुली रहेगी? नहीं रहेगी ना, बंद रहेगी ना होली वाले दिन भी? तो फ्रेंड्स, मिला जुला के होली वाले दिन भी ये भैया छुट्टी करने वाले नहीं हैं, ये लोग होली वाले दिन भी आ करके यहीं पे होली खेलेंगे, है ना, यहीं पे होली खेलेंगे। और बाकी आपको भीड़ भी अच्छी खासी ज़बरदस्त वाली देखने को मिलेगी। चलिए और आगे चलते हैं, बाकी इधर आपको हैंड पर्स वगैरह मिल जाएगा। और चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या चीज़ें मिल रही है। फ्रेंड्स, सोने जैसी चीज़ें मिल रही है, जो कि खो जाने पे किसी को गम नहीं होता है, तो ये भी चाहिए आपको मिल जाएंगे। चलिए और भी चलते हैं आगे, और आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे ये लटकन वगैरह भी मिल रहा है, जैसे आपको डेली मिलता है। बाकी इधर भी वही सोने वाली चीज़ें मिल रही है। और ये आप देखोगे मैक्सी वगैरह की चल रही है ख़रीदारी। यहाँ आपको ना ये भैया ये कैसे है चिप्स रखने के लिए? तो ये एक दाम आपको ना मल्टी वाला जो बॉक्स है ये 200 में मिल जाएगा। बाकी ये छोटे वाले कैसे हैं? ये सारे 200 के हैं, ये आपको 200 में मिलेगा और ये 200 में मिलेगा, बाकी सारे महंगे हैं, है ना, और बाकी आपको महंगे मिलेंगे। इस शॉप पे ना आपको फैशन से रिलेटेड सारी चीज़ें मिल जाएंगी। ये आप देखोगे एक नज़र ना, हर एक चीज़ यहाँ पर मिल रहा है। तो आपको भी चाहिए तो 10 रुपये से स्टार्ट हो करके महंगे महंगे तक आप जा करके ले सकते हो। अच्छा, पूरा सेट मिल रहा है? तो ये ना आपको पूरा सेट मिल रहा है मात्र 100 रुपये में। तो कोई सा भी आप ले जाओ यहाँ से, 100 रुपये में आपको मिल जाएगा। अच्छा, तो यहाँ पे ना आपको 150 के 2 भी मिल जाएगा। बाकी अच्छा, वो पीछे जो लगा है पट्टी में जो लगा है 150 का, तो ये पीछे जो लगा है ना ये आपको मिल रहा है 150 में। ये बहुत ही खूबसूरत सा प्यारा सा जो आप ड्रेस देख रहे हो ना, बहुत ही प्यारा है। और ये कट में है, और बाकी ये गले पे ना डिज़ाइन बन रखी है, तो ये आपको मात्र 400 में मिल जाएगा। और बाकी इसका कलर ऑप्शन आप देखोगे ना, ये एक कलर आपको और मिल रहा है, ये आप देखिए। इसमें कलर और भी मिलता है क्या? दोनों चार कलर मिलते हैं, तो इसमें का आपको ना चार कलर मिल जाएगा। बाकी एक आप अच्छा पैंट भी इसके साथ ही मिल रहा। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये आपको ना 400 में पूरा सेट ही मिल रहा है, तो बहुत ही प्यारा है। आप आकर के होली के रिगार्डिंग आपको कपड़े लेना है ना तो ले सकते हो। सब देखोगे ना प्यारे प्यारे सी इयरिंग आपको मिल जाएंगे। बाकी यहाँ भी आपको भीड़ काफ़ी देखने को मिल रही है। और ये ब्लाउज वगैरह रहा, बाकी ये टॉप वगैरह भी आपको मिल रहा है, जो कि आपको 200-200 रुपये में मात्र मिल जाएगा। भैया ये पीछे जो एनिमल वाला मास्क है कैसे मिल रहा है, कितने रुपए में? 80 फिक्स है? फिक्स है, कितने में मिल रहा है, कितने में? तो फ्रेंड्स, ये एनिमल वाला जो मास्क आप जानवर वाला देख रहे हो ना, ये आपको 70-70 रुपये में आपको मिल रहा है। बाकी भाई के पास ना बहुत सारे हैं। ये पीछे जो कैप है ये 20 रुपये वाले रो में, ये कितने की है? हाँ, तो ये वाले कैप भी आपको 70-70 रुपये में मिल रही है। बाकी अगर आपको पूरा हेयर ही कवर करना, भैया ये पीछे वाला वो 60, और ये भी आपको ना 60 रुपये में मिल रही है। तो इनके यहाँ पे ना अगर कैप वगैरह आपको चाहिए तो बहुत सारे मिल रहे हैं। हम अभी पहुँच चुके हैं ना चूड़ियों के भंडार वाले शॉप में, यहाँ पे आपको चूड़ियों का पूरा भंडार दिखेगा। भैया ये मल्टी कलर वाला कैसे है? 100 रुपये का है। तो यहाँ पे ना आप कोई सा भी एक उठाओगे ना, ये सारे आपको मात्र 100-100 में मिल जाएंगे। ये वाले कैसे मिल रहे हैं अभी? 100 रुपये। ये भी आपको मात्र 100-100 में मिल रहा है। बाकी इनके यहाँ पे ना सारा पूरा भंडार ही आपको जैसे भी चाहिए ना मिल जाएगा, पूरा भंडार आपको देखने को मिलेगा चूड़ियों कंगनों का। ये जो मल्टी कलर में है ये भी 100 का ही है। ये देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही प्यारा लग रहा है, ये भी मात्र 100 रुपये में। अगर सिल्वर में आपको चाहिए ना तो ये लड़कियों के लिए भी बहुत ही प्यारा है, और कोई भी पहनेगा ना बहुत ही प्यारा लगेगा, साड़ी पे या सूट पे कैरी करे। बाकी ये अब अगर आपको बजने के पर्पज़ से चाहिए ना घुघरू वाले भी, ये सारे ही मतलब एक ही रेंज में मिल रहा है ना, तो ये सब 100-100 रुपये में आपको मिलेंगे। आप देखोगे ना ये पूरा चिकन करी का ही पूरा ड्रेस लगा हुआ है। अगर आपको ना ऐसे कुर्तियाँ चाहिए तो ये सारे भी आपको मिल रहे हैं। ये आप देखोगे ना पूरा एकदम हैवी वाला वर्क चिकनकारी का किया गया, और इसमें ना ये किरकिरे जैसी मोतियाँ भी लगी है। तो ये कितने की है भैया? 500 की शॉप पे लेंगे हम 11-12। ये 500 की है, तो ये आपको ना 500 रुपये में मिल रही है। तो फ्रेंड्स, अभी तक ना हमने आपको बहुत सारी चीज़ें इस मार्केट में दिखा दिया एक व्यूज़, और काफ़ी सारी चीज़ों का हमने आपको प्राइस भी बताया है। तो कैसा लगा आपको प्राइस, मतलब पहले से सस्ता है महंगा, ये चीज़ ना कमेंट करके आप ज़रूर बताना। और चलिए यहाँ से ना हम निकलते हैं बाहर, और निकलते हुए ना एक हम आपको व्यूज़ दिखाते हुए चलते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप इस गली से गुजर रहे हो ना, यहाँ पर आपको पूरा चिकन करी का भंडार देखने को मिलेगा। मतलब जैसे ड्रेस आपको चाहिए ना वैसे चिकन करी में आपको मिल जाएगा।
साड़ी चाहिए, सूट चाहिए, जैसा भी ड्रेस आपको फ्रॉक में चाहिए, नैरो में चाहिए, हर टाइप का आपको कुर्ता वगैरह चाहिए ना, सब कुछ मिल जाएगा। बाकी जिस कपड़े में चाहिए वो भी मिलेगा। और आगे हम बढ़ते हैं, मिला जुला के फ्रेंड्स, इस मार्केट में ना आपको सारी चीज़ें एक मार्केट में आप आओगे ना, सारी चीज़ें यहाँ से ले करके जाओगे। और भीड़ तो आप देख रहे हो ना, शॉपिंग यहाँ पे चल ही रही है अभी भी। तो अभी हम आ चुके हैं गलियों से बाहर, और ये रहा मेरा सड़क, और इधर रहा और ज़्यादा भीड़। तो चलिए थोड़ा सा और ज़्यादा भीड़ में दिखाते हैं क्या चीज़ें मिल रही है यहाँ पे ना। आपको खाने की चीज़ें भी मिल रही है, जो कि मोमोज भी मिल रहा है, और इसके साथ साथ में ना आपको चाउमीन भी मिल रहा है। तो जो भी आपको चाहिए भैया, गोलगप्पे भी रखे हो बतासे? तो बस एक ही कमी है यहाँ पे मिल रही है, जो कि बतासे है, और मेरी फेवरेट बतासे आपने बतासे ही नहीं रखा है। बहुत सारे लोग यहाँ पे आपको खाते पीते नज़र आ रहे हैं, और बगल ही में ना आपको यहाँ भी आपको वही सारी चीज़ें देखने को मिल रही है। तो अगर आप भी खाने पीने के शौकीन है ना, तो यहाँ पे आ सकते हैं। पीने से याद आए, यहाँ पे आपको पीने की भी चीज़ें मिल रही है। आप देखोगे गन्ने का जूस यहाँ पे मिल रहा है, पुदीना और नींबू डाल करके। और भी यहाँ पे आप देखोगे ना, पूरा मार्केट आपको एकदम रंग बिरंगा और लोगों से भरा हुआ नज़र आएगा। बाकी एक रास्ता ये गलियों में जाता है, चलिए हम इस गलियों में भी दिखाते हैं। बाकी इधर ना हम छोड़ते हैं और इधर का आपको दिखाते हैं। और यहाँ पे आपको चिप्स पापड़ मिल रहे हैं। चिप्स पापड़ की दुकान पे आप देखोगे ना, बहुत ज़्यादा भीड़ दिखाई देगी। और ये देखो आप होली वाले कपड़े। बाकी शॉप पे ना, हर शॉप पे आपको भीड़ देखने को मिलेगी। यहाँ पे आपको ना ये सूट मिल रहे हैं, जो कि आप सिलवा सकते हो लेकर के। ओह माय गॉड, हर चिप्स की शॉप पे ना आपको भीड़ एकदम ज़बरदस्त वाली देखने को मिलेगी। मतलब होली क्या करीब आया है, चिप्स वाली दुकान पे तो बहुत ही ज़्यादा भीड़ बढ़ गई है। तो यहाँ पे ना अभी हम फिलहाल पूछने वाले नहीं है कि चिप्स का भाव इस समय और पापड़ का भाव क्या चल रहा है, क्योंकि यहाँ पे ना खड़े होने की जगह नहीं है। ये आप देखिए, पूरा एकदम यहाँ पे ज़बरदस्त वाली सेलिंग चल रही है। ये क्यूट सा पटियाला सूट आप देखोगे ना, बहुत ही प्यारा लग रहा है छोटे बच्चे के लिए। बाकी यहाँ पे चप्पलें वगैरह भी मिल रही है। एक गली इधर भी है, जहाँ से आप जा कर के जो भी लेना है ख़रीद सकते हो। सो फाइनली गाइज, हम निकल चुके हैं ना इन गलियों से, और हर गली से निकलोगे तो फिलहाल तो आपको दिखेगा, और ये ऐसा होली तक चलने वाला है। तो ये है चंदन नगर का मार्केट गेट के अंदर। तो ये है चंदन नगर के गेट के अंदर का मार्केट है ना। ये कुर्तियां देखिए, पुरानी कुर्तियां, पुरानी कुर्तियां, मतलब पुराने लखनऊ की फेमस कुर्तियां। हम सोचे कि आप पुरानी कुर्तियां क्यों दे रहे हैं विशाल भैया आपने। तो कुर्तियां कैसे आप दे रहे हैं, कौन कौन सी टाइप की कुर्तियां आपके पास मिल जाएंगी? ओनली चिकन, लखनऊ का फेमस, लखनऊ का फेमस लखनवी सूट यहाँ पे मिल रहा है। तो कॉटन में और ये शिफॉन हर सारे में मिल जाएगा ना? हाँ जी मैम, कॉटन और शिफॉन दोनों में मिल जाएगा मटेरियल, सारा वैरायटी मिलेगा, सारी वैरायटी मिल जाएगी। और फ्रेंड्स, ये आप देखोगे बड़ी सी शॉप है, और यहाँ पे आपको होली से रिलेटेड सारी ही चीज़ें मिल रही है। और फ्रेंड्स, ये आप देखोगे ना, यहाँ भी आपको कलरफुल होली वाले टी शर्ट मिल रहे हैं, जो कि ना आलमबाग के चंदन मार्केट में जब गेट से आप एंट्री करोगे ना, यहाँ पे आपको मात्र 80-80 रुपए में मिल रहे हैं। बाकी हमने जो आपको दिखाया था ना, वो आपको 100 में मिल रहा है, यानी कि आपको पूरा मार्केट घूमना पड़ेगा, तब सस्ती सस्ती चीज़ें आपको मिल सकती। फ्रेंड्स, एक नज़र आप इधर देखोगे ना, पूरी शॉप जो है ना, सारे आपको गुलाल से रिलेटेड, होली से रिलेटेड शॉप देखने को मिलेगी, जहाँ पर पिचकारी वगैरह सारी चीज़ें मिल रही है। बाकी इधर आप देखोगे ना, पूरा जूस ही जूस गन्ने का आपको देखने को मिलेगा, और रेट वगैरह ना उस पर लिख रखा है, तो आप आ करके देख सकते हो। बाकी हम जहाँ पे खड़े हैं, यहाँ से लोग आ जा रहे हैं, उनको दिक्कत हो रही है, और यहाँ पे आप दर्शन कर लो हनुमान जी के। तो ये भैया जी, ये वाले गन्ने जो बड़े बड़े से हैं ना, ये देखिए बहुत बड़े बड़े से हैं, ये 30-30 रुपए पीस में दे रहे हैं, जो कि आप अगर आप सड़क से लोगे ना, तो यही चीज़ आपको 50-50 रुपए में मिल रहा है। बाकी ये दादी बेच रही हैं, ये दादी ये कैसे मिल रहा है, ये 10-10 रुपए में, ये 10-10 रुपए में मिल रहा है। फ्रेंड्स, ये आप देखो, इसमें 7 पीस है। बाकी ये कैसे है, ये चना और जव है, जो कि 5-5 रुपए का। तो ये मतलब ये पूरा सेट 15 रुपए में मिल जाएगा। तो ये आपको मिल रहा है पूरा सेट 15 रुपए में। तो अगर आपको भी होलिका दहन में चाहिए, तो आप यहाँ से तीनों चीज़ें ले जा सकते हो। गन्ना भी चाहिए, गन्ना भी ले लो। बाकी आपको ये जव और ये चाहिए ना, ये सारी चीज़ें आप ले जाओ। सो फ्रेंड्स, ये हमने आपको ना आलमबाग की मार्केट करा दी, और आलमबाग में चंदन नगर की भी हमने आपको एक चीज़ भी दिखाया, और कुछ चीज़ें भी ऐसे दिखाई जो आप ना अगर आओगे, आपको थोड़ा सा मार्केट घूमना पड़ेगा। अगर आपको सस्ते में अच्छी चीज़ें चाहिए ना, तो पहले आप एक काम करो, मार्केट घूम लो, मार्केट घूम करके ना सारी चीज़ों की प्राइस पता कर लो,
क्योंकि ऐसे अगर आप सामने देख कर के ले लोगे ना तो आपको प्राइस नहीं पता चलेगा और आप ठगे जाओगे, यानी कि आपको वही चीज़ें ना सेम चीज़ें महंगी मिलेंगी। तो इसीलिए पहले कहीं भी आप जाइए ना तो आप पहले मार्केट पूरी घूम लीजिए फिर शॉपिंग करिए। तो चलिए फिर आशा करते हैं आपको ना पसंद आई होगी हमारी वीडियो, ज़रूर बिल्कुल भी बोर नहीं। हमारे चैनल पर नए हो ना तो ऐसी वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि बहुत मेहनत करते हैं फ्रेंड्स। और अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक तो बनता है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई चीज़ों के साथ में, और सभी को ना होली की एडवांस में बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हमें ना कुछ चीज़ मिली है, कुछ चीज़ नहीं कुछ मिला है ना वो हम आपको ना, चलिए हम घर पे दिखा करके आपको वो चीज़ दिखाते हैं क्योंकि यहाँ पर चलते चलते दिखाना तो सही नहीं है। और दिखाने के बाद ना फिर हम इस वीडियो को एंड कर दिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर घर पे। और बाकी थोड़ा सा हम ना एक व्यू आपको इस टाइम का दिखाते हैं यहाँ। तो चलिए फिर ये है पूरा ओवरऑल आलमबाग का, आपको हमने व्यूज एक दिखा दिए इस टाइम का भी। और ये प्यारा सा बच्चा साइकिल रनिंग कर रहा है। बाकी मार्केट एकदम रंग बिरंगा आपको देखने को मिलेगा, शायद मेरे कैमरे में इतना रंग बिरंगा आ नहीं रहा है लेकिन मार्केट बहुत ही रंग बिरंगा है। यहाँ पे सोने चांदी की रिपेयरिंग भी होती है, अगर आपको करवाना है तो आप यहाँ पे करवा सकते हो। बाकी नाक कान अगर छिलवाना है ना यहाँ पे आप देखिए नाक कान भी छेदे जाते हैं। भैया क्या चार्ज करते हैं नाक कान छेदने का? 100। तो 100 रुपये में आपका नाक और कान दोनों छिद जाएगा। दोस्तों अगर आप बोर नहीं हो रहे हैं ना तो चलते चलते अगर कुछ और भी यूनिक चीज़ हमें दिखेगी ना तो वो भी हम आपको दिखाएंगे। तो आप ना वीडियो को बिना स्किप किए पूरा ज़रूर देखना क्योंकि हम आपको ना और भी अच्छी अच्छी चीज़ें दिखाने वाले हैं। तो इसीलिए थोड़ी सी अगर वीडियो लंबी भी हो जा रही है ना तो आप कंप्रोमाइज़ करिएगा। फ्रेंड्स घर पहुँचने वाले थे ना तब हमें याद आ रहा है कि अरे मेरे पास तो ना आटा है ना चावल है, तो इसी वजह से हमने अपना रुख बदल लिया मानक नगर साइड में स्टेशन साइड में। तो अभी हम पहुंच चुके हैं मानक नगर स्टेशन साइड में और यहीं से ना हम चावल और आटा ले जाते हैं। तो चलिए पहले हम चावल आटा ले लेते हैं। फिलहाल ना अगर आप आसपास के होंगे तो आपको पता होगा यहाँ पे पूरी सब्जी की मंडी ही लगती है पूरी, आपको एक तरफ से ही सब्जियाँ देखने को मिलेंगी। तो ये है वो शॉप जहाँ से हम मोस्टली ले जाते हैं चावल और आटा, और यहाँ पर ना आपको चावल की वैरायटी बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है। तो ये देखिए ये वाले चावल हैं जो कि हम ले जाते हैं और ये आपको मिलेगा, छोड़िए क्या ही बताएं आपको। तो यही चावल हम लेंगे, बाकी आपको चावल की वैरायटी बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है। ये देखिए फ्रेंड्स ये चावल कैसे लग रहे हैं ये आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इस बार हम यही चावल ले जा रहे हैं। भैया ये वाला 2 किलो कर दीजिए। दोस्तों बहुत देर लाइन लगाने के बाद ना बहुत ज़्यादा भीड़ होने की वजह से बहुत देर लाइन लगाने के बाद हमें अपनी घरेलू चीज़ें मिल पाई है, तो चलिए थोड़ी देर में हम पहुँचते हैं रूम पे मिलते हैं। सो फ्रेंड्स फाइनली भटकते भटकते हम अपने रूम पे पहुँच गए और हम जिस चीज़ की बात कर रहे थे ना वो ये है, ये आप देखिए ये हमें मिला है टेस्ट करने के लिए। तो चलिए टेस्ट करके ना हम आपको बताते हैं आपको लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। जस्ट वेट। तो फ्रेंड्स अगर आप कम मीठे के शौकीन हैं और आपको खोए और नारियल की वो लड्डू पसंद है ना तो आपको ज़रूर लेना चाहिए। तो अगर आपको चाहिए तो नीचे कमेंट करिएगा, बाकी आपको कांटेक्ट नंबर चाहिए वो भी आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए मस्त रहिए। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।